स्वागत है आपका स्वैन इंजीनियर्स में। आज मैं ईडीसी को स्टार्ट करने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट के वीडियोस में अपलोड करूंगा आपके लिए, आपकी टेक्निकल एग्जाम के लिए। तो पहले हम ईडीसी का सिलेबस देखें, तो आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे हमारा ईडीसी का सिलेबस है। ऑलमोस्ट जो भी सारी टेक्निकल एग्जाम रहती है उसमें जो हमारा सिलेबस होता है वो सेम ही रहता है, 1 या 2 टॉपिक ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो पहले हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सिलेबस की बात करें तो इसमें एनर्जी बैंड इन सिलिकॉन, इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक सिलिकॉन और कैरियर ट्रांसपोर्ट इन सिलिकॉन। तो हम बेसिक पहले देखेंगे कि कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर क्या है। उसके बाद उसके जो भी रिलेटेड एमसीक्यू होंगे वो हम सॉल्व करेंगे ताकि जो हम पढ़ दें उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके। तो ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आप सबको मिलती रहे, इस तरह की वीडियोज आपको मिलते रहे। लाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है हम स्टार्ट करते हैं। हमारे सिलेबस का पहले टॉपिक की बात करूँ, एनर्जी बैंड एंड चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर टॉपिक की बात करूँ, तो पहले हम देखते हैं बेसिक एनर्जी बैंड गैप किसे कहते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द लोअर एनर्जी लेवल कंडक्टर बैंड ईसी एंड अपर एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड ईवी, उसको हम एनर्जी बैंड गैप कहेंगे। मींस के जो ईसी के जो भी लोअर एनर्जी लेवल है कंडक्शन बैंड ईसी का और अपर लेवल एनर्जी बैंड है वैलेंस बैंड का, उसके बीच बिटवीन के जो भी गैप को हम एनर्जी बैंड कहेंगे। तो आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं तो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड सेमीकंडक्टर में आप देख रहे हो जिसमें फोरबिडन गैप ईजी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगी। तो वैलेंस बैंड की जो भी अपर लेवल की जो लेवल है और कंडक्शन बैंड की जो लोअर लेवल की जो लाइन है उसके बिटवीन फोरबिडन बैंड गैप है, उसको ही हम एनर्जी बैंड गैप कहेंगे। अब बात करता हूँ मेटल की। तो मेटल क्या है, तो मेटल में आप देखोगे तो जो कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड है वो ओवरलैप हो जाएंगे। इट मींस वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड होगा और कंडक्शन बैंड में वैलेंस बैंड होगा। और हमें पता है कि मेटल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, उसका करंट फ्लो भी सबसे ज्यादा रहता है। उसको भी मैं प्रैक्टिकली शो करूंगा कि आप उसकी फिगर कैसे रहेगी। उससे पहले मैं इंसुलेटर की बात करूँ तो इंसुलेटर में एनर्जी बैंड गैप रहता है वो वेरी हाई रहता है और हमें पता है कि इंसुलेटर में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होता, करंट फ्लो नहीं आता। उसी तरह सेमीकंडक्टर की बात करूँ तो सेमीकंडक्टर में रिलेटिवली जो एनर्जी बैंड गैप होगी वो स्मॉल होगी इन बिटवीन मेटल एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है वो मेटल एंड इंसुलेटर के बिटवीन में शो करता है। एनर्जी बैंड डायग्राम की बात करें तो कंडक्टर की आप एनर्जी बैंड डायग्राम आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे जिसमें कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड है, जिसमें किसी भी तरह की फोरबिडन गैप नहीं है, मींस ओवरलैप है। अब सेमीकंडक्टर की बात करें तो उसमें जो एनर्जी बैंड गैप रहेगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रहेगी। इसमें से भी एमसीक्यू आ सकते हैं कि सेमीकंडक्टर की जो एनर्जी कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रहती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रहती है। सिमिलरली इंसुलेटर की बात करें तो ईजी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रहेगी। इसमें से भी इंसुलेटर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि इंसुलेटर के एनर्जी बैंड गैप कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रहती है, तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रहती है। अब होल की डेफिनेशन की बात करें तो जो वैलेंस बैंड में एम्प्टी स्टेट होता है उसको हम होल रेफर करते हैं। एज अ प्रैक्टिकली देखा जाए तो होल एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा बुक में लिखा रहता है, लेकिन होल जो रहता है वो एक इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंसी हो जाती है उसी को ही हम होल कहते हैं। जो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं, तभी जो वैकेंसी हो जाती है वैलेंस बैंड में उसको हम होल कहते हैं। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मींस इम्प्योर और लैटिस डिफेक्ट नहीं रहेगा, मींस एकदम जो हमारा सेमीकंडक्टर रहेगा वो किसी भी तरह की इसमें इम्प्योरिटी नहीं रहेगी और एकदम प्योर सेमीकंडक्टर रहेगा, और हमारा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहेगा वो प्योर सेमीकंडक्टर रहेगा। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करो तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो रहते हैं जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि हम एक्सट्रिंसिक जो हमारे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करते हैं वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तरीके से फॉर्म हो जाता है। और हम टेक्निकली बात करें तो हम सेमीकंडक्टर में किसी भी तरह के मटेरियल को डोपिंग करते हैं तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाता है। जो हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपिंग करते हैं तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाता है। जैसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर तरीके से फॉर्म होता है। पेंटावेलेंट मटेरियल की एग्जाम्पल की बात करें तो फॉस्फोरस रहेगा, और ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की बात करेंगे तो वो बोरॉन रहेगा।
अब फर्मी लेवल की बात करें तो बेसिक डेफिनेशन फर्मी लेवल की ये रहेगी कि जीरो केल्विन टेम्परेचर पे फर्स्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक की जो एनर्जी रहती है उसको हम फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं। फर्मीडायक फंक्शन की मैं बात करूँ तो फर्मीडायक फंक्शन क्या रहेगा, तो सिंपली हम पता लगा पाएंगे कि कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और से उस फर्मीडायक फंक्शन एफ ओ पी के इक्वेशन को यूज करके हम कितनी प्रोबेबिलिटी में इलेक्ट्रॉन है होल से वो पता लगा पाएंगे, उसको हम फर्मीडायक फंक्शन कहेंगे। तो उसका जो इक्वेशन है वो आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप चाहो इसको लिख सकते हो। इस इक्वेशन को हम यूज करके हम प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स एंड होल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। होल के लिए अलग से इक्वेशन आएगा 1 माइनस एफ ओ पी, होल के लिए इक्वेशन आएगा मीन्स 1 माइनस जो एफ ओ पी का इक्वेशन है वो एफ ओ पी 1 माइनस लिखेंगे तो आप होल्स की कितनी प्रोबेबिलिटीज है वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में वो फाइंड कर सकोगे फर्मीडायक फंक्शन का इक्वेशन को यूज करके। एन नॉट इज इक्वल टू एन सी इंटू ई रेस टू माइनस ई सी माइनस ई एफ बाई के टी। एन नॉट की बात करें तो उस कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, इस इक्वेशन से हम कंडक्शन बैंड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकेंगे। जिसमें ई एफ की बात करें तो फर्मी एनर्जी लेवल, इसी की बात करते हैं एनर्जी लेवल ऑफ लोवेस्ट कंडक्शन लेवल, के की बात करें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी की बात करें तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये जो बुक है वो मेरे रेफरेंस के लिए मैं यूज़ करता हूँ, आप चाहो तो इस बुक को रीड कर सकते हो। इसकी जो लिंक है मैंने मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी, वहाँ से जाके आप परचेस करके इस बुक को रीड कर सकते हो। और नोट्स बनाने के लिए आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हो। उसी तरह पी नोट की बात करें, पी नोट मीन्स जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स क्या रहेगा उसके उसको फाइन करने के लिए हम पी नोट का जो इक्वेशन है एन वी इंटू ई रेस टू माइनस ई एफ माइनस ई बाई के टी इक्वेशन को यूज करेंगे। इस इक्वेशन को यूज करके हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल फाइन कर सकते हैं। मास एक्शन लो की बात करूँ तो ये जो हमारा लो रहेगा मास एक्शन लो वो वेरी इंपॉर्टेंट लो है हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी कैरियर को फाइंड करने के लिए हम मास एक्शन लॉ को यूज करते हैं। तो उसका जो बेसिक डेफिनेशन रहेगी वो आप आपके स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन मीन्स एन नॉट इंटू पी नॉट इज इक्वल टू एन आई स्के। जो हमारा मास एक्शन लॉ का जो इक्वेशन रहेगा वो ये रहेगा कि एन नॉट इंटू पी नॉट इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। तो इसमें एन नोट मैंने जैसे बता दिया आपको कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, पी नोट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल इन वैलेंस बैंड एंड एन आई इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन एट गिवन टेम्परेचर। अदर इक्वेशन भी है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी नोट में नोट कर सकते हो। इस मास एक्शन लॉ को यूज करके हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो माइनॉरिटी कैरियर होते हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को हम फाइंड कर सकते हैं। और इधर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना रहेगा कि जो हमारा इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है टेम्परेचर के अंदर। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन में भी वेरिएशन होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, कल हम देखेंगे आगे हमारे जो भी ईडीसी में जो हमारे टॉपिक सेट है उसके बारे में हम कल स्टडी करेंगे। तो ऐसे ही अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो से आप सबको मिलते रहे। लाइक कर दीजिए क्योंकि आपकी लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उन लोगों को भी इस तरह की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।